कहाँ हो तुम? क्यों? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ। काम कर रहा हूँ। लेकिन हो कहाँ? प्लीज जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। घर पर ही हूँ। तुम घर पर ही हो? कहाँ? अपने रूम में। तुम अपने रूम में और मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं वहां आती हूँ। देख तो रही हो, पेंटिंग कर रहा। तुम और पेंटिंग? क्यों? पेंटिंग सिर्फ वही कर सकता है, मैंने? तुम सैंडी बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं चाहती निखिल कि तुम किसी और की पहचान अपनाने के लिए अपनी पहचान, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो दो। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूं, लेकिन सैंडी सैंडी था निखिल, उसकी जगह तुम कभी नहीं ले सकते। उसी तरह तुम हो और तुम्हारी जगह सैंडी भी कभी नहीं ले पाएगा। यू मीन? आई मीन योर स्पेशल निखिल, वेरी स्पेशल। आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज निखिल ही बने रहो। तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या? एक्चुअली सुबह सरला आंटी का फोन आया था, कह रही थी मम्मी की तबीयत काफी खराब है। मुझसे तो मम्मा बात भी नहीं करना चाहती, बहुत नाराज है मुझसे। मैं सोची थी अगर तुम बात कर लो तो शायद तुम उन्हें कुछ समझा सको। वो तुमसे नाराज क्यों है? रात में हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया था। लावण्या, उसकी क्या जरूरत थी? तुम में कुछ अकल वकल है या नहीं? एक तो आंटी वैसे ही परेशान है, ऊपर से मैंने तुम्हें मम्मा को फोन करने के लिए कहा था निखिल, मुझे लेक्चर सुनाने के लिए नहीं। अगर तुम उन्हें फोन करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मत करो।